गाय और जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में भी दस्तक दे दी। आम आदमी पार्टी ने जहां दिल्ली में दस्तक देते ही दिल्ली की सियासत में एक बड़ा फेरबदल किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने रोहतक की सीट पर नवीन जयहिंद को उतारा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है कि कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी प्रदेश में जरूर दर्ज करा सकती है। जब नवीन जयहिंद से बात की गई तो क्या कुछ कहा नवीन जयहिंद ने, आप खुद सुनिए। एनजीओ समझ के नजरअंदाज किया, लेकिन जो दिल्ली की सत्ता में हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। बात आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं, आज हम हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं और बात रोहतक लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमें कहें कि सामाजिक कार्यों में रुचि रही, या हमें कहें कि अन्ना के मंच से लेकर आज लोकसभा क्षेत्र तक में अपनी मौजूदगी दिखाना, यानी कि नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद हमारे साथ हैं, कितना दिलचस्प है उनका ये एक्सपीरियंस वो भी जानेंगे, लेकिन कितना चैलेंजिंग है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नवीन जी, सबसे पहले यही जानेंगे कि आपको लोकसभा रोहतक लोकसभा सीट दी गई, साफ तौर पर हम देखते हैं कि सीएम हुड्डा का गढ़ माना जाता है। देखिए मैडम, हुड्डा का गढ़ होगा वो, मेरा तो घर है तो घर ही ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरी बात ये है कि चैलेंजिंग, मुझे तो लगता नहीं कि कोई चैलेंजिंग रोहतक के लोगों ने, जिसने भी अपने आप को ये माना कि मैं बहुत बड़े नेता हो गया हूँ, उसको ही रोहतक के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। ये जो सीट है रोहतक, जाट बहुल इलाका माना जाता है, तकरीबन मैं कहूँ कि 7 लाख जाट वोटर हैं। आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जाटों का दबदबा रहा है इस सीट पर? ये लड़ाई जाट और नॉन जाट की नहीं है मैडम, जाट और ब्राह्मण की नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये हिंदुस्तानी की और भ्रष्टाचारी की लड़ाई है। क्या सिर्फ करप्शन का मुद्दा इनफ है, या फिर विजन भी है नवीन जयहिंद का कि भाई हम आते हैं, अगर हमें इस लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलती है तो हम यहाँ के लोगों को क्या देंगे, क्या समस्याएं अभी तक नवीन जयहिंद ने ऑब्जर्व की और वो चाहते हैं कि भाई इन पर तो काम करना है, मुझे वाकई करना है? हम तो उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि जो एक किसान है जिसको 5 रुपए का चेक दे दिया जाता है, एक मजदूर है उसकी ध्यान नहीं मिलती है, एक स्टूडेंट है वो रोज आंदोलन करता है लेकिन उसकी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है, एक महिला है वो रात को निकलते डर लगता है उसको, वो सुरक्षित नहीं है, और जो MLA बनता है यहाँ पे 1000 करोड़ का मालिक बन जाता है, कहाँ से आता है वो पैसा? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी को जागना पड़ेगा। क्या नवीन जयहिंद इस बारे में सोचते हैं कि भाई वाकई राजनीति से मेरा ताल्लुकात नहीं है, परिवार नहीं रहा राजनीति में, और राजनीति में हम देखते हैं कि बहुत सारी पीढ़ियां चली आ रही हैं और राजनीति का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो क्या यहां पर खुद को थोड़ा सा पीछे महसूस करते हैं, या फिर ये लगता है कि नहीं आम आदमी का साथ है तो फिर सारी जंग जीत लेंगे? आप कह रहे हैं कि मुझे राजनीतिक अनुभव की बात है। अब मैडम जी, अगर कोई अमेरिका पट जाता है या कोई बिल्डर है या पहले ही करोड़पति, उसको राजनीति का अनुभव है क्या? या जो परिवारों में चलता आ रहा है उन्होंने राजनीति अनुभव की बात नहीं है, बात नीति की है। रोहतक ऐसी सीट है जहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं। क्या विजन आपका युवाओं को लेकर है, क्योंकि ये वही स्टेट है जहां पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर धांधलियां भी सामने आती हैं, नौकरियों को लेकर युवा सड़कों पर भी है, नाराजगी भी है। देखिए सरकारी नौकरियों की बात मैं आपको बताऊं, इस यहाँ के युवा, देश का कहीं का भी युवा, हाँ, ये चाहता है कि उसको रोजगार मिले, रोजगार का सिस्टम हो। देखिए सरकारी जो नौकरियां हैं उस चपड़ासी से लेके HS की सारी की सारी बिकाऊ हैं। नवीन जयहिंद जी, बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत के लिए। तो हमारे साथ नवीन जयहिंद जी थे, जो साफ तौर पर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, और इसी को लेकर प्रदेश में और रोहतक सीट से नवीन जयहिंद भी हुंकार भर रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस हॉट सीट की जंग में जीतता कौन है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहतक से जनता टीवी के